गुड मॉर्निंग। तो आज अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाना, जीन थेरेपी, बायो वार, बायो वेपन, बायो पायरेसी, ठीक है, ये सब अपन, और मॉलिकुलर डायग्नोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस इंसुलिन। बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन किस तरीके से बनाई गई और कैसे बनाई गई? तो बायोटेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनाई गई उसको क्या नाम दिया? हुमुलिन, ठीक है। तो हुमुलिन कैसे बनाई और किसने बनाई? तो पुराने ज़माने में क्या करते थे, जो इंसुलिन जो बनाते थे वो किस में से निकालते थे? इजलेट ऑफ डॉग में से, ठीक है। बेंटिंग और बेस ने प्रिपेयर की थी सबसे पहले इंसुलिन, किस में से निकाली थी? पेनक्रियास के इजलेट में से, डॉग में से निकाला था, ठीक है। उसके बाद में इंसुलिन जो एक्सट्रैक्ट करते थे वो किस में से करते थे? स्लॉटर्ड पिग और कैटल में से। लेकिन इस इंसुलिन का क्या नुकसान है कि ये इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये क्या करती है? एलर्जी क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी इंसुलिन की केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंसुलिन की अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखें, इंसुलिन नेचर में क्या है? इंसुलिन अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखिए, टोटल 51 अमीनो एसिड्स आर देयर इन इंसुलिन। इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, और वो अमीनो एसिड कैसे सिचुएटेड होते हैं? दो चेन में होते हैं, चेन ए एंड चेन बी, ठीक है। चेन ए में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 21 अमीनो एसिड। और चेन बी में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 30 अमीनो एसिड। तो 21 और 30 मिला के कितने हो गए? टोटल 51 अमीनो एसिड। तो ए चेन और बी चेन आपस में कैसे जुड़ी हुई होती है? डाईसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। तो दो डाईसल्फाइड बॉन्ड होते हैं ए और बी के बीच में, और एक एक्स्ट्रा डाईसल्फाइड बॉन्ड होता है ए के ऊपर, ठीक है। तो अपनी बॉडी में जो इंसुलिन सीक्रेट होता है उसमें क्या होता है, वो क्या किस फॉर्म में होता है? प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। और प्रो इंसुलिन और इंसुलिन, मेच्योर इंसुलिन में क्या डिफरेंस है? प्रो इंसुलिन में एक एक्स्ट्रा चेन और होती है जिसे क्या कहते हैं? सी चेन, ठीक है। और इस सी चेन में कितना अमीनो एसिड होते हैं? 33 अमीनो एसिड। तो अब साइंटिस्ट के ऊपर चैलेंज है कि ये जो प्रो इंसुलिन में से सी चेन को हटाना। तो इन्होंने कैसे बनाया? ए और बी चेन दोनों को अलग अलग प्रिपेयर कर लिया बायोटेक्नोलॉजी से, और फिर इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। तो अभी बताती हूँ कि किस तरीके से ए और बी चेन को इन्होंने प्रोड्यूस किया बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो ये अपन ने केमिकल नेचर पढ़ा। अब इंसुलिन को जो बायोटेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनाई उसको क्या नाम दिया? हुमुलिन, ठीक है। तो किसने प्रोड्यूस किया हुमुलिन को? 1983 में इलीलिली एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है इलीलिली, उसने इसको प्रोड्यूस किया। तो किस तरीके से बनाया हुमुलिन को, देखिए इधर ह्यूमन बींग की पेनक्रिया से क्या निकाल लिया? इंसुलिन का डीएनए बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब सेल में से इंसुलिन का जीन बाहर निकाल लिया, और इधर क्या किया? ई कोलाई में से प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया। दोनों को बाहर निकाल के और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद इसके भी टुकड़े हो गए और ये भी कट हो गया। अब इसमें जो डिजायर डीएनए, ए चेन और बी चेन का जो डीएनए है उसको क्या किया? लाइगेट कर दिया इस प्लाज्मिड के साथ, और इस प्लाज्मिड को किस में डाल दिया? होस्ट ई कोलाई, ठीक है। और अब क्या हुआ? क्लोनिंग हुई। क्लोनिंग होने से क्या हुआ? खूब सारे ए चेन और बी चेन बन गए। अब इस ई ए चेन और बी चेन को क्या किया? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, और क्या तैयार हो गया? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको कि क्या नाम दिया? हुमुलिन। इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के फायदे क्या हैं? इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है और एलर्जी वगैरह ये प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। और मास स्केल पे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं हुमुलिन को। तो अब पढ़ेंगे अपन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है कि कोई भी अपनी बॉडी में जो फॉल्टी जीन होता है, खराब जीन होता है, उसको रिप्लेस करेंगे किससे? अच्छे जीन्स, ठीक है। या बाय बर्थ अगर कोई जीन एब्सेंट है अपनी बॉडी में तो
उस बॉडी में क्या करेंगे, नया जीन डालेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, जीन थेरेपी। तो सबसे पहले जीन थेरेपी की गई 1990 में, एक 4 ईयर की लड़की थी, ठीक है, उसको जीन थेरेपी गई। अब जीन थेरेपी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, जर्म लाइन जीन थेरेपी और सोमेटिक जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी किसे कहते हैं, जब जीन बदला जाए या जीन किस्में डाला जाए गैमीट में, गैमीट मींस स्पर्म एंड ओवा में, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, जर्म लाइन जीन थेरेपी। और सोमेटिक जीन थेरेपी किसे कहते हैं, जीन गैमीट के अलावा किसी भी सेल में जीन इंट्रोड्यूस कर दो उसे क्या कहते हैं, सोमेटिक जीन थेरेपी, ठीक है। और एक होता है सिंगल जीन डिफेक्ट और एक होता है कंप्लीट जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर सिंगल जीन में डिफेक्ट हो तो उसकी बीमारियां कौन कौन सी होती है, जैसे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, डगने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये क्या होते हैं, सिंगल जीन डिफेक्ट होते हैं। और कंप्लीट जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, जैसे कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ये क्या है, कंप्लीट जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो अभी मैं बता रही थी 1990 में एक लड़की, 4 ईयर की लड़की थी, उसको क्या थी, ADA की कमी थी। ADA का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का जीन इसको जन्म से ही एब्सेंट था, ठीक है। और ये ADA का जीन अपनी बॉडी में क्या करता है, अपने को इम्यूनिटी देता है, प्रतिरक्षा देता है, ठीक है, अपने को डिजीज से बचाता है। तो इस लड़की में ADA का जीन था ही नहीं बाय बर्थ, ठीक है, तो इसमें इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो ADA का जीन नहीं होने से जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं, SID, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज या सिंड्रोम, ठीक है। जैसे एड्स होता है उसमें भी क्या होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इसी तरीके से क्या होता है, SID में भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें ADA का जीन नहीं था, तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए इस लड़की को, तो या तो इसमें बोन मैरो को ही पूरी को ट्रांसप्लांट कर दें, या फिर उसको जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी दें, जीन को इंजेक्शन के थ्रू उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दें, लेकिन ये बार बार करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही मेथड परमानेंट क्योर नहीं, ठीक है। लेकिन इस लड़की को कैसे ट्रीट किया वो मैं बताती हूँ अभी। तो बायोटेक्नोलॉजी से इस लड़की को कैसे ठीक किया, बेसिकली क्या होता है, इम्यूनिटी नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती इम्यूनिटी, बिकॉज टी लिम्फोसाइट इनमें प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, या टी लिम्फोसाइट बिल्कुल कम होती है, तो ये डायग्राम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये 4 ईयर की लड़की है जिसमें ADA एब्सेंट है। इसकी जो पेल्विक गर्डल होती है, हिप बोन की बोन मैरो में से क्या किया, लिम्फोसाइट को बाहर निकाल लिया, ठीक है। लिम्फोसाइट को बाहर निकाल के इसको कल्चर कर लिया, कल्चर करके अब इधर क्या किया, वायरस में से प्लाज्मिड निकाला और इधर हेल्दी ह्यूमन में से ADA का जीन बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इस ADA के जीन को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, जोड़ने के क्या बाद क्या बना, रिकॉम्बिनेंट DNA, जिसको क्या कहते हैं, ADA cDNA। अब इस ADA cDNA को वापस इस लिम्फोसाइट में डाल दिया, डाल के और इस लिम्फोसाइट को क्या किया, इस लड़की की वापस हिप बोन के बोन मैरो में वापस डाल दिया, ठीक है। तो अब इसमें ADA पहुंच गया, ADA पहुंच गया तो लड़की ठीक हो गई। लेकिन इस मेथड का नुकसान क्या है, ये लड़की तो ठीक हो गई, लेकिन क्या होता है, लिम्फोसाइट जो होती है उनकी एज, उनका लाइफ स्पान बहुत कम होता है, तो लिम्फोसाइट ख़त्म हो जाएगी, थोड़े दिनों बाद मर जाएगी, तो लिम्फोसाइट ख़त्म हो जाएगी तो ADA भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर इस लड़की में बार बार करना पड़े, ठीक है। तो प्रोसीजर बार बार करना पूरी लाइफ लॉन्ग, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इसका परमानेंट क्योर क्या होता, अगर इस ADA cDNA को
अगर इस ADAC DNA को एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही अगर डाल दिया जाता देन इट वॉज द परमानेंट क्योर, तब ये परमानेंट क्योर होता। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट जीन थेरेपी की गई। अब मैं बताऊंगी कि डायग्नोस्टिक मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक क्या होती है और पुराने ज़माने की डायग्नोस्टिक टेक्निक क्या होती है। तो मॉडर्न डायग्नोस्टिक पुराने ज़माने में क्या करते थे, जब कोई डिजीज़ है उसके सिम्टम आएगा तब उसका कोई डायग्नोसिस करवाएंगे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। ठीक है, तो सिम्टम आने तक और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने तक क्या होता था कि पैथोजन का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो उसको क्योर करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें क्या है, अगर एक बैक्टीरिया या एक पैथोजन घुसा और उसी समय अगर डायग्नोसिस करवा लिया जाता है तो उस पेशेंट को क्योर करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न टेक्निक क्या क्या होती है जो एक बैक्टीरिया एक पैथोजन से पता कर सकते हैं किसी डिजीज़ का, वो है PCR और ELISA। PCR का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ELISA का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, तो PCR में क्या करते हैं, एक पैथोजन से बिलियन कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाले लेक्चर में मैंने बताया था PCR किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और ELISA में क्या करते हैं, ELISA में एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इसमें क्या करते हैं, जो भी एंटीजन बॉडी में एंटर करता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना किसमें करते हैं, ELISA। तो ELISA और PCR से एड्स का पता कर लिया जाता है और ट्यूबरकुलोसिस का कंफर्म डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे दीज आर द मॉडर्न टेक्निक्स और न्यू टेक्निक। एक होती है ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग टेक्निक में एग्जैक्ट हमें पता करना हो कि DNA को आइडेंटिफाई करना है, RNA को करना है, प्रोटीन को करना है। DNA को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए ब्लॉटिंग कौन सी होगी, सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, और RNA को आइडेंटिफाई करना होता है तो उसके लिए कौन सी ब्लॉटिंग होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और प्रोटीन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कौन सी ब्लॉटिंग होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ELISA जो होता है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं उसमें एंजाइम कौन सा काम में लेते हैं, परोक्सीडेज। ठीक है, परोक्सीडेज और एक एंजाइम और काम में लेते हैं इसमें फॉस्फेटेज। परोक्सीडेज और फॉस्फेटेज दो एंजाइम काम में लेते हैं ELISA टेस्ट। ठीक है, तो ब्लोटिंग मैंने बता दी। अब बताऊंगी एथिकल इश्यूज, बायो एथिक्स क्या होते हैं। तो इन जनरल एथिक्स क्या होता है, एथिक्स क्या होता है कि रूल्स और रेगुलेशन बना दिए जाते हैं कम्युनिटी के थ्रू। कम्युनिटी क्या करती है, रूल्स रेगुलेशन बना देती है। उन रूल्स को फॉलो करो तो लॉफुल होगा, उन रूल्स को के अगेंस्ट अगर जाते हैं देन इट विल बी इल्लीगल। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, एथिक्स। और एथिक्स रूल्स रेगुलेशन बायोलॉजी में हो तो उसे क्या कहेंगे, बायोएथिक्स। तो कोई भी बायोलॉजी में रिसर्च होता है, कोई भी स्टडी होता है, कोई भी जीन थेरेपी होती है, किसी भी डिजीज़ का पता करना है या कोई भी हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, तो ये जो सब टेक्निक होती है ये क्या होते हैं, बायोएथिक्स के अंडर होती है। यानी गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे क्या कहते हैं, JAC। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी डिसाइड करती है कि किसको अलाउ करेंगे किस रिसर्च को, किसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या GEAC क्या देखती है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च की वैलिडिटी को ये लोग पहले देखते हैं फिर उसके बाद में मार्केट में अलाउ करते हैं। और कोई भी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी सेफ्टी कितनी है ये भी इन लोगों का काम होता है देखना। ठीक है, तो ये हो गए बायोएथिक्स। तो इंडिया में जेक
जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इसको कंट्रोल करती है। अब मैं बताऊंगी बायोपेटेंट, ठीक है। तो बायोपेटेंट क्या होते हैं, ये राइट होते हैं, राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से राइट दे दिए जाते हैं जो भी किसी प्रोडक्ट को इन्वेंट करता है। जिस प्रोडक्ट का इन्वेंटर जो होता है उसको क्या करती है, गवर्नमेंट राइट देती है, उन राइट को क्या कहते हैं, बायोपेटेंट, ठीक है। ऐसे ही एक होता है आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, जो भी इन्वेंटर होता है, असली जो इन्वेंटर होता है उसको क्या होता है, 20 इयर्स के लिए उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेलिंग का राइट दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस फॉर्म में देते हैं, बायोपेटेंट की फॉर्म में देते हैं। और ये किस आईपीआर 20 इयर्स के लिए दिया जाता है, और पेटेंट की फॉर्म में, ट्रेडमार्क की फॉर्म में, कॉपीराइट की फॉर्म में ये इन्वेंटर को दिया जाता है। अब बायोपायरेसी क्या होता है, बायोपायरेसी क्या होता है, जो असली इन्वेंटर है, बायोपायरेसी, और एक होता है रोंग बायोपेटेंट, ठीक है। तो रोंग बायोपेटेंट तो क्या होता है, जिस इन्वेंटर ने जिसकी खोज करी प्रोडक्ट की उसको पेटेंट ना मिलके जिसने पैसा खिलाया या जो मल्टीनेशनल कंपनी है बड़ी उसको पेटेंट दे दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रोंग बायोपेटेंट। और बायोपायरेसी क्या होता है, जो असली इन्वेंटर है उससे बिना पूछे, बिना इजाज़त लिए, बिना उसको उसका हर जाना दिए, उसका जो असली जो है उसकी इजाज़त के बिना अगर उसके प्रोडक्ट को सेल कर दिया जाता है, मार्केट में बेच दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बायोपायरेसी, ठीक है। एक होता है बायोवार। बायोवार किसे कहते हैं, वो वॉर जो कि किससे होता है, बायो एजेंट्स, यानी किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट को काम में लिया जाता है बायो वार करने के लिए। किसी से भी दुश्मनी निकालनी है तो उसके ऊपर बायो वार कर दो, यानी किसी बीमारी करने वाले एजेंट को या डिजीज कोजिंग एजेंट को उनके वहाँ स्प्रेड कर दो, तो क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, बायो वार। और जो एजेंट काम में आता है उसे क्या कहते हैं, बायो वेपन। तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो बायो वेपन की तरह काम में आते हैं, तो बायो वेपन की तरह काम में आने वाले बैक्टीरिया हैं जैसे सोइल बैक्टीरियम एंड बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, और क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, टेटनस, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, ये क्या होते हैं, बायो वेपन की तरह काम में आते हैं। तो अपन ने बायो पेटेंट पढ़ा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैंने बताया, बायोवार, बायोपायरेसी, रोंग बायो पेटेंट, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा ये लेक्चर, इफ़ यू लाइक माय लेक्चर देन प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे जो भी नया जो मेरा लेक्चर आता है वो आप तक पहुँचे। और फॉर एनी क्वेरी और सजेशन कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। ओके।